हेलो भैया, नमस्कार। आइए देखते हैं अपना अगला स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है बंधन बैंक लिमिटेड है। बंधन बैंक लिमिटेड की बात करते हैं, बीते शुक्रवार को 3.48 रुपए बढ़त के साथ 203.78 रुपए पे क्लोजिंग दिया है। तो देखा जाए सोमवार को कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगला दिन आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस करेंगे आपके साथ में मिलकर। तो देखा जाए तो ये बहुत दिन से नीचे की तरफ आ रहा था, बट ये रिवर्सल लेने की तैयारी में है। बट ये जो पॉइंट आपको देखने को मिला है, ये जो पॉइंट है, ये पहले सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था। ये जो एरिया सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, अभी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगा। ओके, बट यहाँ पे देखा है तो यही एरिया जो है, ये जो एरिया है, ये जो आपको देखने को मिला है, ये इसके लिए अब रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर और यहाँ पर रेजिस्टेंस, बस इसका इस ट्रेंड लाइन का नहीं है। यहाँ पे ये 200 डेज जो मूविंग एवरेज है उसका भी रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। जब तक अपने हाई को ये ब्रेक करके कोई डेली कैंडल क्लोज नहीं करता है, अच्छा सा कैंडल बना के, तब तक उसमें आप पॉजिटिव में नहीं जा सकते हैं। तब तक खतरा है जब तक ये कोई अच्छा सा कैंडल बना के क्लोजिंग नहीं देता है। अगर कोई कैंडल क्लोज दे देता है 210 के ऊपर, तो फिर आप उसी कैंडल का लो बना के, लो स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन बना सकते हैं और टारगेट आप 225 या 228 के करीब में इजिली पा सकते हैं। सेकेंड टारगेट की बात करें तो 245 के करीब में आपको मिलेगा। बट जब तक 210 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज नहीं करता है और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक आप उसमें पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ आ सकता है और नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ 190-180 के करीब में आने की प्रॉबलिटी है। तो इस पर नज़र बना के रखिए, अच्छा कन्फर्मेशन मिलता है उसी के साथ आप एंट्री लीजिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि आप पीछे एनालिसिस करके देखेंगे तो पीछे का जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे वो इसी पोजीशन पे आता है। तो इसमें इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।